मैं अमनदीप लेफ्ट बैक खेलता हूँ इंडिया अंडर 20 नेशनल टीम की तरफ से। इंडिया में भी खेला मैंने मैच, पहले भी इंटरनेशनल मैच खेल चुका हूँ, लेकिन अभी अंडर 20 का जो मतलब अभी मैच खेल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हैं हम लोग, इराक के अगेंस्ट खेले हैं, मतलब लेवल डिफरेंट है इन लोगों का। ऑब्वियसली मतलब हम लोगों ने भी प्रिपरेशन किया है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मतलब एटलीस्ट ट्राई किया है मतलब अगेंस्ट इराक और ऑस्ट्रेलिया की तरफ मतलब कंपटीशन देने का। अच्छे खेला, सब टीम अच्छा भी खेला हम लोगों का। पोजीशन वाइज मतलब पहले ये नहीं इतना नहीं पता था कि अगर अटैकिंग जाना डिफेंडिंग किस टाइम पे आना है किस टाइम, मतलब अभी इंटरनेशनल मैच में ऐसा अगर अटैकिंग के लिए गया तो थोड़ा सा भी अगर पीछे गैप हुआ तो गोल, डायरेक्ट गोल, तो उसके लिए थोड़ा और ध्यान में रखना पड़ता है। अटैकिंग जाना है तो डिफेंडिंग के लिए भी फास्ट एज फास्ट जब भी जितना भी जल्दी आ सकता है आना पड़ेगा। तो ये सब मतलब इस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया इधर आके कि अटैकिंग और डिफेंडिंग बहुत करना पड़ेगा। फैमिली में मम्मी पापा चार बहनें, और पापा फार्मिंग करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, सबसे छोटी बहन टीचर लाइन में अभी टीचिंग कर रही है, और तीन बहनों का शादी हो चुका है और एक बहन का लास्ट ईयर डेथ हुआ है हार्ट अटैक की वजह से। फैमिली में रही मेरा जर्नी, फुटबॉल जर्नी 2010-11 से स्टार्ट हुआ। मैं जब गाँव में स्टार्ट किया था स्कूल, मतलब हरियाणा बेलर का नरवाना डिस्ट्रिक्ट जैन नरवाना से, तो उधर से स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स ने बोला था कि चल खेलते हैं जस्ट ऐसे ही कि हाँ मतलब खेलना है फन के लिए, लेकिन उसके बाद खेलना स्टार्ट किया तो इसमें मतलब मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। और मम्मी पापा को भी बोलता था कि खेलना है, मम्मी पापा भी अलाउ नहीं करते थे। फर्स्ट 2 ईयर्स मैंने मतलब विदाउट शूज़, विदाउट मतलब कुछ भी ऐसे ही किसी चीज़ के बिना ही खेला हूँ, मतलब कुछ शूज़ वगैरह नहीं वेयर किया। तो मम्मी पापा को भी बोलता था कि मतलब मेरे को शूज़ चाहिए, सब चाहिए, लेकिन फैमिली कंडीशन ऐसा था कि नहीं, हाँ वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। देन मैंने अंकल को बात किया, अंकल से बात किया कि प्लीज़ मेरे को ये ला के दे दीजिए, बस मेरे को ये चाहिए, उसके बाद में आपको मतलब जो भी होगा। अंकल ने सपोर्ट किया, अंकल था थोड़ा हेल्प किया अंकल ने मेरे को। तो उसके बाद मम्मी पापा भी, मम्मी भी डरती थी क्योंकि अकेला हूँ मैं फैमिली में, चार बहन है मैं अकेला हूँ, तो अब बाहर जाएगा क्या होगा, ये अकेला लड़का है। तो इसलिए तो 2010 से स्टार्ट किया, 13 तक मैंने मतलब प्रैक्टिस किया, गांव में ही कोच था मेरा दिंदर सर, तो उनके साथ उनके अंडर में कोचिंग लिया। तो 2024 में ट्रायल्स हुआ चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी का, तो उसमें मैं फ़र्स्ट टाइम गया था। उसमें मतलब न्यू बैच स्टार्ट करना था, तो न्यू बैच में मैं और मेरा काफ़ी टीम मेट्स है जो अभी अभी तक हम लोग साथ में, टाइसन प्रीतम और शिवाजित सब, उधर से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था। 2014 से नेशनल टीम मतलब उसमें चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी में ज्वाइन किया था मैंने। तो उसके बाद नेशनल टीम में जब सेलेक्ट हुआ, और मतलब ऑलरेडी मेरी टीम के मेरे मतलब मेरे सीनियर्स नेशनल टीम में थे, उन लोगों को देखते थे, हम लोग खेलते हैं आते थे अकेडमीज में वापस, उनको देखते थे कि हाँ इंडिया का जर्सी वेयर किया, अमरजीत, जैक्सन, संजीव स्टाइलन और ऑलमोस्ट ननी, विक्रम, ये सब आते थे, इनको देखते थे। हम लोगों को भी होता था कि हम लोगों को भी ये जर्सी चाहिए, ऑलमोस्ट मतलब इंडिया टीम के लिए खेलना है, कंट्री के लिए खेलना है। तो जब हम लोगों को मतलब मिला तो बहुत अच्छा था, बहुत मतलब आई कांट एक्सप्लेन कैसा फीलिंग था, वो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और उसमें मतलब हम लोगों का AFC क्वालिफाई कर लिया था हम लोगों ने वियाना सर के अंडर में, लेकिन फिर पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ हुआ हमारा दुबई, उसके बाद दुबई टूर लगा था। दुबई से डायरेक्ट एरोस के लिए कॉल आया था, जब हम वापस आए तो एरोस के लिए कॉल आया, तो डायरेक्ट एरोस में आए थे हम लोग। फिर एक्चुअली स्टार्टिंग से 2019 से विवानु सर के अंडर में थे, उनके उसमें भी उनके अंडर में बहुत कुछ सीखने को मिला, डे बाय डे, ईयर मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर सब कुछ मतलब इम्प्रूव होता ही गया। मतलब जो भी कुछ कमी लगता था, इस चीज़ में कमी है ओवरलैप का या कवरिंग का या डिफेंडिंग का, मतलब सब कुछ मतलब काफ़ी कुछ सीखा। और मेन डिफेंडर को हम लोग जो मैंने सीखा अभी तक कि डिफेंडर को जितना टाइम हो सके उतना टाइम अपने फीट पे रहना चाहिए, नो स्लाइडिंग एंड ऑल। और आजकल का तो ये आजकल के टाइम पे ऐसा ही है, अगर जस्ट थोड़ा सा डिफेंडर का मिस्टेक हुआ डायरेक्ट पेनल्टी एंड फ्री किक एंड उसी उन्हीं चीज़ में मेन गोल्स होता है। काफ़ी एक्सपीरियंस मिल चुका है मुझे, मतलब काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ जो सीखना चाहिए था ऑलमोस्ट, मतलब जो टीन एज से छोटा एज से और अभी तक सीनियर लेवल तक जितना कुछ सीख सकता था सीखा मैंने। और कोचेज ने भी काफ़ी हेल्प किया, एरोस अंडर 16 काफ़ी, अभी अंडर 20 नेशनल टीम में, नेशनल टीम के लिए खेल रहा हूँ मैं,
तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मतलब गेन किया मैंने, काफ़ी कुछ मिला मुझे सीखने को, और अभी भी इधर भी काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। लास्ट अभी नेक्स्ट मैच है तो इसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, लास्ट मैच में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच इधर मतलब जो भी कुवैत में फैंस है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मतलब इतना इंक्रेज किया हम लोगों को, और हम लोग ये चाहते हैं कि लास्ट लास्ट मैच में भी आप लोग आए और इंक्रेज करें हम लोगों को। थैंक यू सो मच।